असलम सेवन क्लास आई एम योर मैस टीचर हम नाम यूनिट नंबर फाइव एक्सपोन एक्सरसाइज नंबर फाइव ओके क्लास कल हमने एक्सरसाइज फाइव का क्वेश्चन नंबर वन एंड टू सोल्व किया था आज क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की क्या स्टेटमेंट है एक्सप्रेस दज अ रैशनल नंबर यहाँ पर एक्सपोनशल लोटेशन हमारे पास गिवन है इनको हमने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है सोलूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट exponent और एक्सपोनेंशियल रोटेशन की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या था द एक्सपोनेंट टेल अस द नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिस बेस नंबर इज मल्टीप्लाईड बाई इट्सल्फ एक्सपोनेंट क्या था जो कि हमें बता रहा होता था कितने नंबर ऑफ टाइम बेस वाला नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट हमें ये बताता था और एक्सपोनेंशियल रोटेशन क्या थी वो वाली रोटेशन जो कि एक एक्सप्रेस कारी होती थी प्रोडक्ट इंटीजर का बाई इट्सल्फ सेवरल टाइम ठीक है अब यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फोर बाय फाइव रेज टू पार्ट टू हमने क्या करना है इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है अब रैशनल नंबर क्या था वो वाले नंबर जो के फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर अब हमने ये वाले एक्सपोनेंट वाले नंबर को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है यानी कि ओवर के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है ठीक है सबसे पहले हम ने ये पावर को रिमूव करना है अब फोर बाय फाइव रेस्ट पार्ट टू इस नंबर की पावर में टू है इट्स मीन ये वाला नंबर खुद से ही टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्लियर अब क्या होगा फ़ोर बाई फाइव मल्टीप्लाईड बाई फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव को हम खुद से ही टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट क्या होगा न्योमिनेटर वाला नंबर न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से ठीक है फोर फोर ज़ा सिक्सटीन एंड फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव नाउ नेक्स्ट क्या है माइनस टू बाई थ्री क्यूब माइनस टू बाई थ्री की पावर में थ्री है क्यूब है इट्स मीन माइनस टू बाय थ्री खुद से ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू बाई थ्री अब न्योमिनेटर वाले नंबर को न्योमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में अब फर्स्टली इनके साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस देन टू टू ज़ा फोर एंड फोर टू ज़ा एट थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ठीक है पहले फर्स्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई किया आंसर को थर्ड वन से मल्टीप्लाई कर दिया इसी तरह यहाँ पर भी माइनस टू इंटू माइनस टू फोर फोर इंटू माइनस टू माइनस एट ओके नेक्स्ट क्या है फोर बाय फाइव रेस टू पावर माइनस टू अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है पावर नेगेटिव है अब इसका हम क्या करें इसके लिए हम क्या करेंगे जैसे ही हम नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं मींस कि हम न्योमिनेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्योमिनेटर में लिखते हैं इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेना जैसे ही नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो उसकी अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है और अगर रेसिप्रोकल हम लें और पावर पॉजिटिव हो तो वह नेगेटिव हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है हम रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी नाउ फाइव बाई फोर की पावर में टू है सिंपली फाइव बाई फोर खुद से ही टू टाइम मल्टीप्लाई होगा देन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड फोर फोर ज़ा सिक्सटीन नेक्स्ट क्या है माइनस थ्री बाई फोर रेज टू पावर माइनस थ्री यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है पावर नेगेटिव है रेसिप्रोकल लेंगे डिनोमिनेटर न्योमिनेटर में और न्योमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस फोर बाय थ्री माइनस यहीं पर ही रहेगा सेंटर में लिखा हुआ है और ये वाले माइनस को आपने पॉजिटिव नहीं बनाना रेसिप्रोकल लेने से जस्ट पावर वाली साइन चेंज होता है पावर वाला साइन चेंज होता है जो नंबर के साथ साइन लिखा होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता जस्ट पावर वाला नंबर पावर वाला साइन चेंज होगा माइनस फोर बाय थ्री ये माइनस थ्री था ये थ्री हो गया माइनस थ्री माइनस फोर बाय थ्री खुद से ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर बाय थ्री इंटू माइनस फोर बाई थ्री इंटू माइनस फोर बाई थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फ़ोर फोर ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर ज़ा सिक्सटी फोर थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन अच्छा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था जब नेगेटिव बेस की पावर में ओल्ड नंबर होता है नेगेटिव बेस की पावर में जब ओल्ड नंबर होता है आंसर हमेशा क्या आता है नेगेटिव आता है ठीक है ये हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर ये हमारे पास जो रैशनल गिवन है इसको हमने पावर्स में एक्सप्रेस करना है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं नो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास ट्वेंटी सेवन बाई वन ट्वेंटी फाइव हम सिंपली क्या करेंगे सबसे पहले ट्वेंटी सेवन का एल्सियम लेंगे थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जी नाइन एंड थ्री वन जी ट्वेंटी सेवन को हम क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नेक्स्ट है वन ट्वेंटी फाइव फाइव टू ज़ा टेन टू कैरी ये ट्वेंटी फाइव हो गया फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन ज़ा फाइव ओके अब यहाँ पर क्या है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री खुद से ही थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री क्यूब पावर में थ्री क्योंकि पावर वाला नंबर क्या बता रहा होता है बेस वाला नंबर खुद से ही उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा ठीक है अब यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई हो रहा था जिसको हम पावर में इस तरह से लिख सकते हैं अब फाइव भी खुद से थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे फाइव क्यूब अब नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था अगर ला नंबर जो फोर था अगर बेसिस चेंज हो पावर सेम हो तो हम बेसिस को डिवाइड करके पावर को सिंगल टाइम लिख सकते हैं तो सिंपली हमने यहाँ से बेस को कॉमन ले लिया अब पावर को कॉमन ले लिया सॉरी चले अब नेक्स्ट पार्ट है वन फोर्टी फोर बाई एटी वन अब इस पार्ट को आपने बहुत गौर से देखना है ठीक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एक डिस्कस होगा अब सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम सी लिया था ना मैं सिंपली वैसे ही यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ फिर उस पॉइंट को बताती हूँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है न्योमिनेटर में वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर का अगर हम एलसीएम लें वन 2, फोर टू सेवन ज़ा फोर्टीन टू टू ज़ा एंड टू थ्री ज़ा सिक्स वन कैरी चला गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू वन ज़ा टू टू एट ज़ा सिक्सटीन टू नाइन ज़ा एटीन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री ठीक है अब अगर हम एट्टी वन का एल्सीम लें थ्री टू ज़ा सिक्स टू करी गया थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री अब यहाँ पर जब हमने वन फोर्टी फ़ोर का एल्सीय लिया तो हमारे पास क्या आया है टू फोर टाइम और थ्री टू टाइम यानी कि इस तरह से टू फोर इंटू थ्री स्क्वेर ठीक है ये चीज़ आई है हमारे पास और जब हमने लिया है एटी वन का तो हमारे पास क्या आया है फोर टाइम थ्री अब यहाँ से हम पावर को किस तरह से कोमा ले सकते हैं यहाँ पर तो न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर का तो डिफरेंस आ गया ठीक है यहाँ पर डिनोमिनेटर न्योमिनेटर में अगर हम देखें दो नंबर प्रोडक्ट में है और दोनों की पावर चेंज हैं ठीक है और न्योमिनेटर में जो है उसकी पावर चेंज है अब हम क्या करें यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने जब पावर में रैशनल नंबर को लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है हमने न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर का इस तरह से हमने एलसीएम लेना है कि न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो सिंगल नंबर हो या प्रोडक्ट में हो जिस तरह से भी हो उनकी पावर कॉमन हो अब यहाँ पर तो पावर सेम नहीं है इन दोनों की अगर पावर सेम है तो न्यूमिनेटर नु, नु, में एक और नंबर भी तो मल्टीप्लाई और है ठीक है यहाँ पर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब भी हम उसका एलसीएम लेंगे पावर कॉमन लिखते हुए तो हमने क्या करना है उस तरह से लेना है कि उनकी पावर सेम आ रही हो इसलिए हम क्या करेंगे 144 को हम लिख सकते हैं 12 ट्वेल्व ज़्या वन ठीक है और 81 वन नाइन नाइन ये 12 इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर नाइन इंटू नाइन नाइन स्क्र दोनों की पावर सेम है ना इसलिए हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर की है ठीक है अब दोनों की पावर सेम है पावर हमने कॉमन ले ली नेक्स्ट पार्ट क्या है माइनस सिक्सटी फोर बाय वन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का जब हम लें एलसीएम तो हमारे पास क्या आता है क्या आता है टू जा टू टू ज़ा, टू वन ज़ा टू सिक्स ज़ा टू एट ज़ा, टू फोर ज़ा टू टू ज़ा एंड टू वन ज़ा अब नेक्स्ट जब हम वन ट्वेंटी फ़ाइव का एलसीएम लेंगे तो उसके पास हम उसके हमारे पास क्या आंसर आता है वन ट्वेंटी फ़ाइव फ़ाइव फाइव फ़ाइव टू ज़ा टेन टू कह रही गया फ़ाइव फ़ाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव फ़ाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव एंड फाइव वन ज़ा फ़ाइव हमारे पास आया है फ़ाइव थ्री टाइम्स यानी कि फाइव क्यूब और यहाँ पर क्या आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू आया है हमारे पास सिक्स टाइम्स अब यहाँ से भी हम कॉमन पावर नहीं ले सकते अब यहाँ पर भी हमने वो चीज़ की है कि सिक्सटी फ़ोर का हमने एल्सीयम उस तरह से लेना है कि पावर में उसका क्यूब आए ठीक है पावर में उसके क्यूब आए अब अगर हम सिक्सटी फ़ोर का एल्सीयम लें फोर के साथ फ़ोर वन ज़ा फोर फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर 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 ज़ा सिक्सटीन एंड फोर वन ज़ा फोर तब हमारे पास आता है वो वाला नंबर जिसकी पावर में थ्री आ सकता है ठीक है इसलिए हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर की है माइनस सिक्सटी फोर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, फोर और वन ट्वेंटी फाइव को फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव माइनस फोर क्यूब माइनस फोर खुद से ही थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और फाइव क्यूब हम दोनों की क्या करेंगे पावर कॉमन ले लेंगे ओके क्लास आज हमने क्या किया है एक्सरसाइज नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप डर्जिंग टेबल सिक्स एंड सेवन का लर्न करेंगे ओके बेस्ट ऑफ लक